रेत की टीलों से ऊपर जाती वो लाशों के ढेर, कश्मीर में लाल रंग से सनी वो खून की सड़कों का दृश्य देखने को सामने आता है। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया था जब एक माँ अपने बेटे के चीचड़े देकर बोली कि साहब, आप तो भट्टी में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं। जब एक विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है, जब एक विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे खालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी गया है साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी गया है, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करने से हर युद्ध के परिणाम बदल दिए जा सकते हैं। पर आज हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर एक उग्रवादी के राइफल से निकली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो आगे जाके किसे लगेगी, पर हमारी राइफल से निकली गोली को ये तय करना पड़ता है कि वो आगे जाके किसे लगेगी। अगर इसी बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ये दिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी, ना ये समाज छोड़ेगा, ना दिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। महोदय, कहते हैं ना, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, जब छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तब तो कोई मानवीय अधिकारों का ज्ञाता नहीं आया, पर जब एक जेएनयू विश्वविद्यालय में देशद्रोही की तरफ से देशद्रोह के नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तो सारे मानव अधिकारों के ज्ञाता उनके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं, तब तो सारे मानव अधिकारों के ज्ञाता उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा, तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा। मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की ओर से कहते हैं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं पल्ले देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं पल्ले देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। महोदय, आज हमारे देश के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर विरोध डाला जा रहा है। अरे हम ही तो है देश की बुनियाद, हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर मैं इस देश, इस भारत के लिए शहीद हो जाऊं तो रोना मत माँ, रोना मत, मुझे अच्छा नहीं लगेगा माँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि लोग कहेंगे कि देखो आज वीर भगत सिंह की मार हो रही है, आज वीर भगत सिंह की मार हो रही है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लोगों में माता आती है, भूत प्रेत आते हैं, बालाजी बोलते हैं, पर मैं पूछती हूँ लोगों में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आते, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आते। यकीन मानिए जिस दिन ये लोग हमारे देश के लोगों में आने लग गए ना, उस दिन हमारी देश की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। एक आखिरी बात आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कभी पीठ पीछे बात चले तो घबराना मत, आपकी अगर कोई पीठ पीछे बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, क्योंकि बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, बात भी वही मनवाता है जिसमें कोई बात होती है, जिसमें कोई बात होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।